गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रहा हूँ अमृतसरी छोले कुलचे खाने। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अमृतसरी छोले कुलचे खाने। अमृतसरी कुलचे तो आपको पता ही है कितना फेमस है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह 9 बज के लेट उठ गया मैं। 9 लेट ही है, मेरे को सुबह जल्दी 7-8 बजे करीब जाना था, तो 9:30 बज गए। नहा के फ्रेश होकर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं सोचूंगा मैं बाघा बॉर्डर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को घर ही पहुंचना है शाम तक। तो अगर मैं बाघा बॉर्डर गया तो ठीक है, ब्लॉग आ जाएगा, अदरवाइज मैं आज खाना ही खाना है मेरे को पूरे अमृतसर में घूम के। नई नई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, नए रेस्टोरेंट ढाबे में जाके खाना खाएंगे, मस्त वाला। तो बस फिर मैं मिलता हूँ आपको अपनी राम प्यारी के पास। नीचे जा रहा हूँ, राम प्यारी नीचे खड़ी है, रात से उसको स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद जाना है मैंने ढाबे पे। ठीक है गाइस, मिलता हूँ, बाय। यहाँ पे आया हूँ मैं, सोच रहा जाते हुए मम्मी के लिए ले लिया जाए, मम्मी और दीदी के लिए एक और स्टॉल। मम्मी और दीदी भी खुश हो जाएंगे अगर ले लिया तो यहाँ से, और गालियाँ भी देंगे कि मेरा पसंद के लिए आया, कुछ भी ऐसी चक्के। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए कोई चीज़ ले जाए यहाँ से मम्मी और दीदी के लिए। गाइज मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से, और मेरे को किसी लोकल ने सजेस्ट किया है मुझे जाना चाहिए पहलवान दा ढाबा। तो मैं वही जा रहा हूँ पहलवान दा ढाबे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ से 1 किलोमीटर है तो बस रास्ता भटकना जाओ, इसलिए मैं बीच बीच में मैप देख रहा हूँ फोन में। तो बस अभी निकल रहे हैं पहलवान दा, और यहाँ से हमें शायद लेफ्ट बस हम वही जा रहे हैं, किसी ने बोला कि फेमस है वहाँ पे, वहीं जा रहे हैं, वहीं से खाते, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचेंगे कहाँ जाए। मैं तो सोच रहा हूँ बाघा बॉर्डर चले जाते हैं, आए हुए हैं तो चले जाते हैं, जाके वहाँ से आ जाएंगे वापस। ले गाइस मैं जा रहा हूँ अशोक कुमार कुलचे वाले के पास, जस्ट बिकॉज वहाँ जब मैं गया था वो भाई साहब वो नाम उंगली देख रखा उसने भाई, मैं तो मैं यू टर्न लिया वहाँ से मुड़ के, अब जा रहा हूँ अशोक कुमार। किसी और से पीछा तो करे अशोक कुमार कुलचे वाले पे जाओ, वो भी अच्छा बनाता है, वैरायटी है उसमें। तो यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस बंदे को देख के, वहाँ नहीं जा रहा हम यहाँ से, मैं अशोक कुमार कुलचे वाले पे जा रहा हूँ। देखते कितना टाइम लगेगा, यहाँ से पास ही है वैसे तो, वहाँ खाएंगे। ये तो माइंड रोडी भी घूम रहा हो, नाक उंगली देखी भाई उसने पूरी पूरी नाक उंगली देखी, और हमें ना हाथ धोए फिर जल्द कुलचे बनाने लगा। मैंने मोड़ी वहीं से, अब मोड़ के अब सीधा आ गया कहीं और जा रहा गया, अब जा रहा हूँ अशोक कुलचे वाले पर। जो वहीं जाके मैं दिखाता हूँ यार, रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड करता ना भाई साहब, कभी खाते ना उसके तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मोटा ढाबा ना। चलो छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ अशोक से, ठीक है वो मैं देता हूँ। अभी गाड़ी ठोक देता है यार वो बंदा, पुट्टा भी कैसे गाड़ी चला रहा, सीधे चढ़ चढ़ा लग रही है मुझे बहुत, 10:30 हो गए बताओ। ये 1.5 घंटे ढूंढने के बाद मिल ही गया एक अच्छा कुलचे वाला। अब मैं अब जा रहा हूँ कुलचे लग रही है अच्छी करे वहाँ, यहाँ तो कोई नाक भी नहीं दे रहा, वहाँ जैसे वहाँ दे रहा था। मैं जा रहा हूँ कुलचा खाने, बेस्ट कुलचा, अब इसको लॉक पर लगा दूँ। मक्खन ये रेट लिस्ट है, कौन सा खाया जाए फिर भी ठीक है। वो वहाँ तो खड़के मैंने क्या देखा भाई, नाक में उंगली दे रहा था जी, यहाँ तो बढ़िया लग रहा मुझे आलू कुलचा। मैंने मंगाया है आलू गोभी पनीर कुलचा, मक्खन वाला कुलचा, बस वही खाएंगे, मोटे हो जाएंगे भाई। मैं हमारे मेरे वर्गा तो रह गया ना यहाँ पे, तो भाई मैं तो इतना मोटा हो जाऊंगा ना, क्या बताऊँ। आ गया मेरा कुलचा, गोभी सर आपके में आलू गोभी है कहते हैं ना कुलचा। देखो भाई पानी आ गया, स्वाद है, देख के अच्छा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ घर, बैग मैं जा नहीं रहा बाघा बॉर्डर, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा रात को, मेरे को काम भी है, एमरजेंसी पड़ गई है, तो मैं जा रहा हूँ घर। और मैं कहूँ तो मेरे को इतना खास नहीं पसंद आया कुलचा, स्टफिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस बार बार से लगा के दे दिया। तो मेरी तरफ से 10 out of 6 बोल सकते हैं, 6-7 बढ़िया था ऐसे, टेस्ट तो अच्छा था। बस अब यहाँ से जा रहे हैं, बहुत है इतनी रिव्यू बहुत है, तो ये कुलचा शॉप चलो बाय गाइस। निकल रहे हैं हम अपने घर की तरफ, सीधा घर जाएंगे आराम से, कैंडी को मिस कर रहा हूँ, कैंडी के साथ खेलूंगा जाते हुए। बस यहाँ से कितना 200-250 बोरिंग रास्ते, वापस बोरिंग रास्ते से ही जाएंगे, हमारा बोरिंग रास्ता स्टार्ट हो जाएगा, पल चलते रहो, बस चलते रहो, चलते रहो। यार थोड़ा जूस पी लिया भाई साहब, 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला दिए, 200 चल गई, थक गया
मेरे पिछवाड़े में बम सा बम का दम निकल गया थोड़ा 30 किलोमीटर में। प्यास लग रही थी तो भाई के पास रुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया बस, कुछ पियेंगे फिर जाएंगे। सच में यार सिर्फ 70-80 की स्पीड में मज़ा नहीं आता, बाइक तो लेनी पड़ेगी। रुकते हैं थोड़ा सा, जब तक चल रही है एक्टिवा चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे बाइक लेने को। चलो आए तक क्या चुस पियेंगे अच्छा सा एकदम मस्त सा। हाँ भाई ने बना दिया। चेक दिस आउट गाइस, मैंने प्याज ले लिए थे रास्ते में आते हुए, सस्ते लगे तो मैं ले तो आया, पता नहीं मैं कैसे लेके आया हूं, अब खराब ग्रोव ना हो। ये तो रज के गालियां पड़ेंगी रज के। और मदन क्या हाल है? खचैक नहीं करेगा मदन? क्या करता है मदन का असली नाम क्या है? खचैक लगा प्याज लेके आया मैं 16 रुपए किलो हिसाब से। ये पापा कह रहे हैं यही पे मिलता है इससे अच्छा तो इसे 6 रुपए क्या नाम 16 किलो 100 का 6 किलो मैं लेके आया 250 रुपए का 15 किलो, वो भी छोटे छोटे यार, सच में बेवकूफ बना दिया उसने ना, ये पिद्दी पिद्दी से प्याज दिए इसने, ऊपर बड़े पा दिए नीचे छोटे छोटे डाल दिए, इससे अच्छा तो मैं वहीं से ले लेता। चलो कोई नहीं, मम्मी के हाथ से तुमने सुना, मम्मी के मुँह से सुना, मेरे को बोलो मैं सस्ते लेके आया 200 रुपए। ये तो मम्मी भी सुनाएंगे फिर, कोई नहीं प्याज और टमाटर प्याज की चटनी खाएंगे। नहीं आप तो प्याज और टमाटर की चटनी खाएंगे रच गए। है मरीज तो मम्मी के साथ चले जाते, मम्मी को लेके भी चले जाते, खुद भी चले जाना था, उल्टी सी हो रही है देखिए। इतनी दवाई खाने को नहीं बोला था, इतनी दवाई खा के तो ठीक हो जाता है इंसान, पता नहीं मैंने बोला था मम्मी को ले जा, गई नहीं लेके, क्या मेरे बिना हमारे बिना क्या किया पापा के साथ, पापा को तंग किया, आपके साथ ही सो रही होगी रात को उधर भेजा अपने आप चले गई। दल बदलू कैंडी क्या बात, हाँ पिछवाड़ा करके सोती है मुंह पे कैंडी, ओए कैंडी भूल ही गई लग रहा मुझे, कैंडी मेरे को भूल गई लग रहा, कैंडी भूल गई। हेलो बिजली कहाँ से फ्री होगी दिल्ली में, बेवकूफ ठगने वाला काम है ये, बंदा बिजली बोल रहा है ना एक के बार में ले लेगा वो। अभी तो मेरा तो हो रहा है, भूख लगी थी मैं आके ये खा रहा हूँ चावल, और ये है सिंकी आलू और सिंकी, ये सब नेपाली लोगों को भी पता होगा क्या है सिंकी, मस्त होता है ना मदन, नेपाली बंदे को पता होगा ना, और हर किसी को पता भी है जो खाया जिसने खाया उसको अच्छा भी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, पहले भी पसंद था। तुझे कैसे पता? मम्मी ने बताया। हाँ गुंदरुक बोलते हैं इसको, आलू और गुंदरुक अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा था। आलू तो है नहीं, अरे आलू ले आते ना, ऐसी रखने से खराब हो जाएगा ना, किसमें कोई अखबार बिछा के फैला दो ना फिर। लो जी हो गया आपका महीने का खोटा पूरा है ना, हो गया महीने का पूरा तो हो गया होगा, ठीक है मतलब ठीक ही आ गए। अरे अमृतसर से आते हुए रास्ते में दे दिया हमने, ले लेते हैं चलो अभी ले लिया जाके। दीदी हमारे मेरे साथ तो नखरे करती है मानी का खाना है क्या हुआ है? क्या हो गया इधर करती है भोजन, बहुत नखरे करती है, नखरे बहुत है इसके, पता लग जाता ना मैं आ गया। कैंडी कैंडी क्या हुआ क्या हुआ है? चलो बाय बोलो स्पीक, चलो ठीक है इसने भी बोल दिया बाय, इस वीडियो का हम यहीं पे रैप अप करते हैं, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बस करो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बी से बाय बाय टेक केयर गाइस।